जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, कंप्यूटर, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, जेसी शाह आयोग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेसी आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल के विरुद्ध मत दिया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला? सी वाला जो ऑप्शन है आपका, आत्माराम जैन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए आप लोग ध्यान से, उसके बाद ही सोच समझकर आंसर दीजिए आप लोग। डी वाला जो ऑप्शन है आपका, वर्ष 1980 में रविन्द्रनाथ वशिष्ठ ने चेतना नामक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहां पर है? ऑप्शन जो ए है आपका, रोहतक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तिल्ला ज्योति उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी। रेवाड़ी जिला तिल्ला ज्योति उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग एवं हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। सरस्वती शुगर मिल किस जिले में है? यमुना नगर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है, ऑप्शन सी जो है आपका, चाय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा है, किस जिले के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? गुरुग्राम जिले के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका, गुरुग्राम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कलेश्वर वन जीव अभयारण्य यमुनानगर में स्थित है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? हरियाणा में जुलाई सितंबर माह में दक्षिण से पूर्व मानसूनी पवने वर्षा करती हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कांगी कहा जाता है? हरियाणा में गिरिपादीय मृदाओं को घर एवं कागी कहा जाता है। गिरिपादीय मृदा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नित्यवाही नदी कौन सी है? यमुना नदी, ये वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भटियाना भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है? फतेहाबाद जिला भटियाना क्षेत्र का भाग है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली की श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में स्थित है? अरावली श्रेणी हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन सा नेता रोहतक गया? ए तथा बी, मदन मोहम्मद मालवीय, मोहम्मद अली।
टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी मेहनत पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? हरि सिंह चिनारिया ने जींद रियासत की तहसीलदारी छोड़कर प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका जींद रियासत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया? रोहतक की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स का जो बहिष्कार है जो ये कर दिया था, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका रोहतक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रणजीत सिंह ने किसे शरण देने की अपेक्षा उस शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया? रणजीत सिंह ने शरण देने की अपेक्षा लाहौर के शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। कुरुक्षेत्र का मिलान पैराकीट से हो जाएगा, और शमा का गुड़गांव से, मोरनी हिल्स अंबाला, गौरैया बहादुरगढ़, तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। यहां से आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, पी ए संगमा और तारिक अनवर ने किया था। इन तीनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि इन्होंने सोनिया गांधी को पार्टी को बागडोर सौंपने पर आपत्ति जताई थी। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले में किसानों को मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने, प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका गुजरात है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारगल क्षेत्र पर शासन किया? रानी रुद्मा देवी काकतीय वंश की महिला शासिका थी। रुद्मा देवी को पूर्वी गंग राजवंश से चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके शासन के शुरू होने के तुरंत बाद यादवों का सामना करना पड़ा। रुद्मा देवी की मृत्यु अम्बा देवी से लड़ते हुए हुई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया? ए वाला जो ऑप्शन है आपका ऑटोवेन गेरिक, ऑटोवन गेरिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा वेशनगर और विदिशा में 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल की हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व द्वारा स्थल भीमबेटका भी है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अशोक ने किया था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अशोक। रणथंभौर का किला ये कहाँ पर है? रणथंभौर का किला राजस्थान के सवाई माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस किले का संबंध चौहान वंश के शासक हमीर देव से है। 2013 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया। महेश कवि ने राणा हम्बीर के सम्मान में हम्बीर रासो की रचना की थी।
तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में गुर्जर एवं बकराल जनजाति तथा हिमाचल प्रदेश में गद्दी किन्नौर इत्यादि जनजातियां पाई जाती हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका जम्मू और कश्मीर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? यह माना जाता है कि ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईस्वी पूर्व में पूर्व गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल और भारत के 7 अजूबों की सूची में भी शामिल है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? सन 1982 में रिचर्ड एंटोनो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी रिलीज हुई थी। इसमें महात्मा गांधी की भूमिका बेन किस्कले ने निभाई थी। इस फिल्म ने बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म तथा बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑस्कर भी जीता था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 70%। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य है, किंतु हमारे सौरमंडल का सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से 4 से 2 वर्ष दूर है। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को भारत एवं पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष तक व्यापार करने की आज्ञा दी थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए गाइस सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पांडवों में 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव। युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे, ये सभी पांडु के पुत्र थे। पांडवों की माँ का नाम कुंती था, इनकी पत्नी का नाम द्रौपदी था, जो राजा द्रौपद की पुत्री थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक भारत के महानतम सम्राटों में से एक था। उसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उसे कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के लिए याद किया जाता है, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किसको एक छोड़कर बाकी सभी को रद्द कर दिए जाते हैं? सी वाला जो ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन इसे यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का गाइस है जो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूएसएसआर संविधान। सुल्तान जोहर कप के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा खेल? सुल्तान जोहर कप का संबंध हॉकी से है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। सर्वप्रथम इस कप को मलेशिया ने जीता था। सन 2017 में इस कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो इस क्वेश्चन का जो है ए वाला ऑप्शन जो है आपका हॉकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो ए है आपका वाहनों से निकली गैसें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है?
वायुमंडल को 6 परतों, सॉरी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अत्यधिक वृद्धि के कारण वायुमंडल के ताप में लगातार वृद्धि हो रही है। इस ताप वृद्धि के कारण ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने लगी है, जो कि महासागरों में जल स्तर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? वायुमंडल की 6 परतों में विभाजित किया गया है। सप्ताम मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर तक ओजोन परत ओजोन मंडल है। इस मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य की हानिकारक परावैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जनवरी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अशुद्ध बर्तनी को चिन्हित कीजिए। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिसके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत एवं होंठ का परस्पर स्पर्श होता है लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता। ये इस प्रकार है, या रा ला बा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके रीति का बोध कराए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका धीरे धीरे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिसीमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिसीमी शब्द में गुणवाचक विशेषण है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण रूप आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, जैसे कि आपका सुंदर हो गया, और स्वच्छ, परिसीमी आदि। ओके, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वाच्य होते हैं। देखिए गाइस, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका 3 प्रकार के बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। यहां से आपके जनरल साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? जाइलम नामक शवनी ऊतक का कार्य जड़ों द्वारा जल ग्रहण करके पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना है, तथा फ्लोएम का कार्य पौधों के हर भागों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। उसने वर्गीकरण की 6 इकाइयां प्रस्तुत की, जाति, कुल, वंश, गण, वर्ग तथा संघ। वर्ष 1969 में आर एच हेडेकर ने जीवों को 5 वर्गों में बांटा। पहला मोनेरा, दूसरा है प्रोसेस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमिलेना, एनिमेलिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका आर एच विटेकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका न्यूटन का पहला नियम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में या तो विराम में रहेगी, तो यदि गतिशील या गतिशील रहेगी, तब हम उस पर कोई बढ़ा बल कार्य ना करें, तो यह न्यूटन का प्रथम नियम है। इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? अत्यधिक उच्च तापों को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह धातु भट्टियों के भीतर उच्च तापमानों को माप सकता है। अत्यधिक निम्न तापों को मापने का कार्य कार्योमीटर द्वारा किया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका पायरोमीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक चींटी काटती है तो उस किस अंगल का रिसाव होता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका फार्मिक अंग। देखिए, चींटी के डंक में उपस्थित अंगल होता है फार्मिक अंगल। अमाशय में उपस्थित अंगल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अंगल। सिरका में उपस्थित अंगल कौन सा है? एसिटिक अंगल। कोल्ड ड्रिंक में उपस्थित अंगल कौन सा है? फास्फोरस अंगल। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? सोल एक कोलाइडी विलयन होता है जिसमें एक द्रव में ठोस कण निलंबित रहते हैं। यह सोल टिडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठोस सोल में, ठोस में ही ठोस का निलंबन होता है, जैसे रंगीन पत्थर रत्न। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका, रंगीन रत्न पत्थर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कैडमियम धातु उत्तरदायी है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, जबकि मिनी माता रोग के लिए पारा उत्तरदायी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मिनी माता रोग के लिए पारा उत्तरदायी होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो ए है आपका फिलिस्पो पंकनी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलिस्पो पंकनी ने हैजा के रोगाणु की खोज की थी। फेलिक्स हॉफमैन ने एस्पिरिन तथा रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स चक्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिक होती है तथा जी का मान न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है तथा जी का मान अधिकतम होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ध्रुव रेखा पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के साधनों को आर्द्रता मापी कहते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायु में उपस्थित नमी या जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में 0 से 4% तक जल वाष्प होती है। यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर की कॉमन मेमोरी रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सिस्टम के हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन कहलाती है। यह प्रोग्राम को एजुकेशन के लिए तैयार करने की क्रिया है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दूसरे सिस्टम से अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है हैकिंग। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज का कोड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है? वेब पेज का कोड लिखने के लिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिसाइकल बिन का क्या कार्य है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? रिसाइकल बिन का कार्य है डिलीटेड फाइल स्टोर करना। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका माउस पैड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का विस्तारित रूप क्या है? सीपीयू का विस्तारित रूप क्या है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक डाटा वेयर हाउस, बी वाला जो ऑप्शन है आपका महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित रहता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत कंप्यूटर, सॉरी परम कंप्यूटर EDAC पुणे भारत द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका सिंटैक्स एरर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।